दोस्तों रश्मि देसाई तो नहीं लेकिन उमर रियाज की बात करी थी कुछ देर पहले, ऐसे में उनका एक वीडियो वायरल होता हुआ नजर आया। अब उन्होंने उसमें क्या बोला है कि रश्मि देसाई के बारे में तो नहीं बोला कुछ, जो भी बोला है आप खुद अपने कानों से सुनिएगा और बताइएगा कैसा लगा क्या नहीं है। इससे पहले वीडियो आगे बढ़ने से पहले अपने भाई को भी जान लीजिए। स्वागत है आपका बॉलीवुड हाइलाइट्स में, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त देर अंसारी। चैनल बनाए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करें। तो उमर रियाज का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया अकाउंट पे, ठीक है। तब उसमें उन्होंने ऐसा क्या बोला है क्या नहीं बोला ये तो हम नहीं जानते। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आप लोगों को ये सुना लिया जाए खुद उमर रियाज के मुंह से, ना कि मेरे मुंह से, उमर रियाज खुद बताएंगे। चलिए सुनते हैं फिर थोड़ा सा। भाई तुझे ही फोन करने वाला था यार, इतना एक्साइटेड हूँ साला, सुबह से रेडी बैठा हूँ। तू बता एयरपोर्ट कितने बजे पहुंचना है? क्या टिकट नहीं कराई? भूल गया? अरे मैं सामान पैक करके बैठा हूँ रात से और तू टिकट भूल गया? यार इन्हें सारा प्लान कैंसिल कर दिया यार, इन पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए यार। वी कैन हेल्प यू, यू नीड टू बेट ओनली व्हेन यू हैव 100% ट्रस्ट। परिमैच इज द नंबर वन ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म, गो एंड गेट योर बोनस ऑन द इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म परिमैच। थैंक यू परिमैच, नाउ आई एम गोना बेट ओनली ऑन इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म परिमैच। एंड यू दोस्तों आप लोगों ने सुनी ही लिया उमर रियाज का बड़ा धमाकेदार एडवर्टाइज है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैंने देखा है ये लोग जो ना रश्मि देसाई और उमर रियाज अपनी हर चीज को जरूरत से ज्यादा प्रमोट करवाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि इनके फैंस जो है ना बहुत ही ज्यादा इनके बारे में सोचते हैं और ऑब्वियसली जरूर जो अगर ये प्रमोट करेंगे किसी चीज को तो वो जरूर करेंगे, खरीदेंगे भी जरूर। आपको भी यही लगता है? मुझे तो भाई यही लगता है, इसलिए इन दोनों को बहुत ही ज्यादा एडवर्टाइज के ऑफर आते हैं। ऊपर से अमेरिका में तो रश्मि देसाई तक को मिले, अमेरिका में तब भी उनसे कहा कि भाई कर लो कुछ भी कर लो लेकिन कर दो हमारा एडवर्टाइज। फेमस पर्सनैलिटी हैं, आपको क्या सहमत है आप मेरी बात से? हाँ या ना जरूर बताएं।